सत श्रीकाल जी सारियां नूं ऑल परपज चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है जी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं मेरे वीडियोज़ इन्ने लाइक कर रहे हो ते मेरा चैनल नूं सबसक्राइब कर रहे हो ते मेरे वीडियोज़ नूं अपने दोस्तां नाल अपने फैमिली मैंबर्स दे नाल शेयर कर रहे हो। थैंक यू जी तुहाडा बहुत बहुत। हाँ जी, वैजीटेबल मंचूरियन बनाउण दे लई मैं चार गाजरां लईआं ने, एक छोटा फुल गोभी नूं चंगी तरह कट के धो लिया, एक शिमला मिर्च ते एक प्याज लिया। असी इन्हां सारियां सब्जियां नूं बरीक बरीक कट के मिक्सी दे ग्राइंडर दे विच पावांगे ते इहनूं हल्का दरदरा जिहा एक दो बार बस मिक्सी चलाउणी है वी ताकि इह हल्का जिहा पीसिया जावे। इहदे विच बिल्कुल भी पानी दा यूज़ नहीं करना हैगा ते सारियां सब्जियां मैं मोटियां मोटियां ही कट के पाउणियां ने। दो बार ही मिक्सी बंद कर करके चलाउणी है ताकि बिल्कुल प्यूरी ना बन जावे इह। तुसी इहनूं चॉपर दे राहीं भी सब्जियां सारियां चॉप कर सकदे हो ते नहीं तां इह सिंपल तरीका है कि असी मिक्सी नूं दो बार चला के इहनां नूं हल्का दरदरा जिहा रख लवांगे सारियां सब्जियां। बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना इहदे विच, बिल्कुल दरदरियां सब्जियां ने अपने कोले। इहनूं मैं एक वड्डे बर्तन दे विच कढ लिया है ते इहदे विचों जिहड़ा भी वाधू पानी है असीं उह कढ देणा है। चंगी तरह इहनूं हत्थां दे नाल घुट के नचोड़ लवांगे। इस तरह करन नाल सानूं मैदा या कॉर्नफ्लोर जां फिर सूजी घट मात्रा दे विच लैनी पवेगी ते साडे जिहड़े मंचूरियन ने बहुत वधिया बणनगे उह। ये बचे हुए पानी नूं असीं डोलना नहीं है, इहनूं बाद दे विच ग्रेवी बनाउण दे विच असीं इही पानी यूज़ करांगे। हाँ जी, ये सारा मैं नचोड़ लिया ने सब्जियां, हुण इहदे विच असीं मसाले पावांगे। अद्धा छोटा चम्मच मैं इहदे विच नमक दा पाया है, थोड़ा जिहा मैदे विच मसाला पाया है ते अद्धा छोटा चम्मच मैदे विच कश्मीरी मिर्च पाई है, हल्की जी हल्दी पाई है। तीन चम्मच मैं इत्थे सूजी दे लिया है, सूजी पावांगे इहदे विच। सूजी नाल मंचूरियन नाले तां खस्ता बणनगे ते नाले इह जिहड़ा थोड़ा बहुता सब्जियां दे विच पानी रहि जांदा है ਉਹ ਸੋਖ ਲੈਣਗੇ। ਦੋ ਚਮਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆਇਆ ਬੋਲਸ ਦਾ।
दो ते तीन मिंट तो बाद असी इन्हां नूं कढ लवांगे। इस तरह ही सारे मंचूरियन नूं असी दो तीन बार फ्राई कर लवांगे, क्योंकि एक बार तेल दे विच कट्ठे ही मंचूरियन ना पाओ, ये फिर जुड़ भी जाते हैं, इन्हां दी जिहड़े मंचूरियन बॉल्स होंदे आ वो जुड़ जाते हैं, तां करके असी इन्हां नूं चार चार पाँच पाँच बार पा के एक बार च असी चार या पाँच बॉल्स ही पावांगे ते चंगी तरह फ्राई कर लवांगे। इस तरह साढ़े कोल सारे मंचूरियन तैयार हो गए। मैं उही कढ़ाई दे विच थोड़ा जिहा तेल रखांगी ते बाकी सारा तेल कढ दित्ता। हुण इह तेल जदों गर्म हो जावे, इत्थे फ्लेम असी हुण फुल रखनी है, तां मैं अदरक लहसुन ते तीन हरियां मिर्चां लईआं ने। अदरक ते लहसुन नूं बरीक कट लिया, हरियां मिर्चां दे विच कट लगाए हुए है। इह तेज़ वाली हरी मिर्च है, तुसीं अपने टेस्ट दे अकॉर्डिंग जे पाउणा चाहो पा सकदे हो, ते नहीं लाल मिर्च दा वी थोड़ा जिहा यूज़ कर सकदे हो। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੁੰਨਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਹੀ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਚੋਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਸ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਜ਼ਵਾਨ ਸੌਸ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਡਾਰਕ ਸੋਇਆ ਸੌਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਚਮਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਸਿਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਸਿਸ ਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੌਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ।
हुण असी एक कौली दे विच 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पा के उनू हल्का जिहा पानी पा के चंगी तरह मिक्स करना है। इनू चंगी तरह मिक्स करना है ताकि इहदे विच गट्ठा ना पैण बिल्कुल भी, ते सारा एक बार च नहीं पाउणा, असी इहनू हल्का हल्का इहदे विच यूज़ करांगे। जिहड़ा मैं सब्जियां नूं नचोड़ के पानी रखिया होया सी ओह पानी असी ग्रेवी दे विच यूज़ कर रहे हैं 1 गिलास, ते 1 गिलास मैं होर पानी दा यूज़ कीता। अगर तुसी घट ग्रेवी चाहुंदे हो तां पानी दा यूज़ घट करो, अगर तुहानूं ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तां तुसी पानी 2 गिलास तों वध भी यूज़ कर सकदे हो। चंगी तरह जदों इहदे विच उबाल आ जावे तां 1 वार असी मसाले दा नमक दी क्वांटिटी देखांगे, तुसीं चैक कर सकते हो इस वक्त तुसीं। ते फिर जिहड़ा कॉर्नफ्लोर दा घोल असीं तैयार करके रख्या होया उहनूं 2 वार दे विच हल्का हल्का पाउंदे जावांगे, ते गैस दी फ्लेम इत्थे मैं फुल कीती होई है। चंगी तरह इहनूं भी असीं फुल फ्लेम दे उत्ते भुन्नांगे। तुसीं देखोगे कुछ के सैकेंड तो बाद जिहड़ी ग्रेवी है उह गाढ़ी होण लग गई। बहुत सोहणी ग्रेवी है जिहड़ी साडी तैयार होई है, बहुत वधिया गाढ़ी भी है, चमकदार है। थोड़ा जिहा सेक लवाउण तों बाद ग्रेवी नूं असीं इहदे विच मंचूरियन बॉल्स ने जिहड़ियां साडियां उह पा देवांगे। तुसीं देख रहे हो ग्रेवी बहुत सोहणी तैयार होई है, ते इहदी खुशबू भी बहुत वधिया आ रही है। हुण असीं मंचूरियन बॉल्स नूं इहदे विच पा देवांगे। मंचूरियन बॉल्स पाउण तों बाद असीं ज़्यादा देर गैस ऑन नहीं रखना, क्योंकि ये असी पाउण तों बाद ज़्यादा भुन्ननियां नहीं है। इहनूं असीं बस कुछ क सैकेंड दे लई सेक लवावांगे, ते उस तों बाद गैस दी फ्लेम बंद कर देवांगे। मंचूरियन साडे कोल रेडी ने, तुसीं देखोगे किन्नी वधिया ग्रेवी बनी है, ते मंचूरियन भी बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। अगर तुसीं फर्स्ट टाइम भी मंचूरियन बना रहे हो तो सारियां चीज़ां अकॉर्डिंग टू पा रहे हो, तो कोई भी चीज़ तुहानूं वध घट नहीं लगेगी, बहुत वधिया टेस्ट होएगा। गैस की फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ, तो इनू 2 मिनट लिए ढक के रख देवांगे। 2 मिनट तो बाद असी सर्व करांगे। तुसीं देखोगे कि ग्रेवी किन्नी गाढ़ी हुई है, मंचूरियन भी कोई मंचूरियन है बिल्कुल टुटिया नहीं है, बहुत सोहनी ग्रेवी बन के आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच वीडियोज़ टिल एंड। थैंक यू।